देखते हैं यहाँ पे एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी स्टूडेंट्स ने हमको सेंड किया हुआ है, उसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालिटिक और नॉट, ए इज वन अपॉन वन माइनस जेड, नहीं हो सकता है क्योंकि जेड इक्वल वन रखोगे तो वहां पे एनालिटिसिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, एल एन जेड जीरो पे भी एनालिटिक नहीं है क्योंकि एल एन जीरो कभी डिफाइन नहीं होता है, बचा ई की पावर वन बाई जेड तो ये भी नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से राइट है और इसी को हम प्रूफ करते हैं क्योंकि क्या है इसका आंसर सी। पहले तो देख लेते हैं कि कॉस जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, तो ये अभी ये कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं प्रूफ भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने क्या लिया, एक फंक्शन मान लिया w बराबर कॉस ऑफ जेड, w क्या दिया है कॉस ऑफ जेड, तो यहाँ देखिए w बराबर f ऑफ जेड, ये क्या है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है w बराबर f ऑफ जेड, दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, इतना बात क्लियर है। अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो इसको रियल फंक्शंस में हम पहले ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, रियल फंक्शन में ब्रेक करने पे मिलेगा x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में, तो यहाँ क्या मिला कॉस एक्स कॉस आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। अब देखिए थोड़ा ये आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं कह सकते, जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स बहुत डिटेल्ड में पढ़ा होगा तो उनको पढ़ाया गया होगा इस चीज के बारे में। यहाँ पे कॉस आई वाई को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन एच वाई, क्लियर है इतना बाद, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ई टू दी पावर आई वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस आई वाई या प्लस ई टू दी पावर माइनस आई आई अपॉन टू बराबर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन वाई, और साइन ऑफ आई वाई बराबर होता है आई ऑफ साइन एच वाई, ये हम पुट कर सकते हैं दोनों, क्लियर है। और ये कहाँ से आता है भी हम बता देंगे डिटेल्ड में आप लोगों को, क्लियर है, ये हम पुट करके देख सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्म में, ये बेसिकली किस तरह के फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। अगर इस तरह से नहीं करना है तो थोड़ा लेंदी बन जाएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल्स में तोड़ना पड़ेगा फिर जाके सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ क्या मिला हमें कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आ गया कॉस ऑफ एच वाई माइनस साइन ऑफ एक्स आई ऑफ साइन ऑफ एच वाई, तो यहाँ क्या मिला हमें कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एच वाई माइनस आई साइन एक्स साइन ऑफ एच वाई, इतना आ गया, क्लियर है इतना बात। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं हम, कैसे साइन एच वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस एच वाई और साइन एच वाई का डेरिवेटिव कॉस एच वाई और कॉस एच वाई का डेरिवेटिव साइन एच वाई, क्लियर है इतना बात। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे, तो हमें चेक करना है, चेक द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, क्लियर है, हम चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। तो फंक्शन कैसे चेक करते हैं एनालिटिसिटी, तो हमको मालूम है कि w बराबर f ऑफ z बराबर u ऑफ एक्स वाई प्लस i ऑफ v एक्स वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कोई, तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारा ये है रियल पार्ट, और ये क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इतना बात क्लियर है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ नोट करते हैं यू एक्स वाई बराबर कॉस एक्स कॉस एच वाई एंड वी एक्स वाई बराबर क्या आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एच वाई, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एच वाई, इट इज क्लियर और नॉट। चलिए अब हमें एनालिटिस चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने का मेथड है अप्लाई कॉसी रीमान इक्वेशन, देखो हम यहाँ पे तो डिटेल्ड नहीं बताएंगे, बाद में हम डिटेल्ड देख लेंगे। कॉसी रीमान इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इन सारी कंडीशन को हम अप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए यहीं से देख लेते हैं, यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स,
तो x का डेरिवेटिव करेंगे और इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो यहाँ क्या मिल गया, cos x का माइनस sin x इंटू cos h y, क्लियर है इतना। अब निकालते हैं हम डेल v अपॉन डेल y, तो यहाँ से निकाल देते हैं डेल v अपॉन डेल y क्या आएगा, माइनस sin x, हमने क्या बताया sin h y का डेरिवेटिव होगा cos h y, क्लियर है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, क्लियर है, ये तो सेटिस्फाइड हो गई। अब इस वाली कंडीशन को देख लेते हैं सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, तो डेल v अपॉन डेल x करके देखते हैं, डेल v अपॉन डेल x, तो डेल v अपॉन डेल x बराबर, यहां देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा, सॉरी यहां पे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या मिला हमें माइनस cos x sin h y, क्लियर इतना बात। अब हमें निकालना है डेल u अपॉन डेल y, तो डेल u अपॉन डेल y क्या होगा, देखो डेल u अपॉन डेल y बराबर, मैंने क्या बताया cos h y का डेरिवेटिव क्या होगा sin h y, तो यहां क्या आ गया cos x into sin h y, cos x into sin h y में पहुंच गया। तो अब देखो यहां पे माइनस कर देते हैं हम, क्योंकि यहां पे क्या है माइनस लगा हुआ है ये ऑलरेडी, तो ये किसके बराबर हो गया माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई, इट इज क्लियर और नॉट। ये तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लियर है इतना बात, सारी कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो कैसे, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ रहा है डेल वी अपॉन डेल वाई, यहां देख लीजिए ये दोनों बराबर है हमारे लिए, और यहां पे भी क्या आ रही है कंडीशन डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में अगर कॉसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा एनालिटिक होगा, कॉसी रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन फंक्शन इज एनालिटिक, क्लियर है बात। तो एफ जेड बराबर कॉस जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द डोमेन, क्लियर इतना बात। जिन लोगों ने थोड़ा डिटेल स्टडी किया होगा अच्छे ढंग से और जिनने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल चीजें पूछी गई थी कि हमें किस तरह से करना है। तो cos z एक ऐसा फंक्शन है जो कि एनालिटिक होगा अपनी पूरी डोमेन पे, तो बस हमें कुछ नहीं करना था यहां पर, बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई पूछता है d अपॉन dx साइन एच एक्स उसका इंटी सॉरी उसका डेरिवेटिव होगा कॉस एच एक्स, अगर कोई पूछता है डी अपॉन डी एक्स कॉस एच एक्स तो उसका डेरिवेटिव होगा साइन एच एक्स, क्लियर है बात। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली। अगर जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है कॉस जेड क्या है एनालिटिक है डोमेन में सारी जगह, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज ऑलवेज राइट इन द डोमेन, क्लियर इतना बात। थैंक यू वेरी मच।